हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। माय नेम इज़ नितिन वशिष्ठ। सो आज की हम इस वीडियो में एचपी सब इंस्पेक्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि एचपी सब इंस्पेक्टर की नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है और उसमें साइंस की वेटेज काफ़ी ज़्यादा रहती है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के हिसाब से वहाँ पर अराउंड 25 से 30 क्वेश्चंस तक देखे जा सकते हैं। इसका मतलब है कि ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ द चेंज इन द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ नोन एज। कि जब कभी भी किसी ऑब्जेक्ट की पोजिशन चेंज होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं। सपोज करो कि मेरे पास एक पॉइंट ऑब्जेक्ट ए पे है और दूसरा उसने जाना है पॉइंट बी के ऊपर। तो जब कभी भी ए से बी में पॉइंट मूव करेगा, तो जब कभी भी ऑब्जेक्ट की पोजिशन चेंज करेगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट जनरली होता क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अगर मैंने इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचना है तो उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा। सो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। तो अगर ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है तो ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा। तो इसका मतलब क्या है कि इसके साथ डायरेक्शन में लगी हुई है डिस्टेंस के साथ। तो जब कभी भी किसी चीज़ के साथ डायरेक्शन एसोसिएट हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। अगर मैं यहाँ पर डिस्टेंस की बात करता हूँ तो डिस्टेंस सिंपली क्या होता है कि टोटल पाथ लेंथ। कि अगर ऑब्जेक्ट यहाँ से पर्टिकुलर इस पोजीशन इस पॉइंट से यहाँ तक गया या ये वाला पाथ फॉलो किया तो उसने कितना टोटल पाथ फॉलो किया, हम बस वो नोटिस करते हैं डिस्टेंस के केस में। सो डिस्टेंस हमारा क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, और डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी हमारी एसोसिएट होती है। अब अगले टर्म के ऊपर आते हैं, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी हम कैसे बता सकते हैं, वेलोसिटी होती है हमारी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। कि कितनी डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रही है कितने टाइम में। तो अब जैसे डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है तो वेलोसिटी हमारी क्या हो जाएगी, एक वेक्टर क्वांटिटी। अब हम बात करते हैं एक्सेलरेशन की। तो एक्सेलरेशन एसोसिएट होता है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वेलोसिटी एक एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमारी एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगी, एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। तो होप सो आपको ये सारी टर्म्स क्लियर हो चुकी होंगी। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर टू के ऊपर। सो क्वेश्चन नंबर टू क्या बोल रहा है, द एसआई यूनिट ऑफ हीट इज। कि हमारे हीट का एसआई यूनिट क्या होता है। अब एसआई यूनिट मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड यूनिट्स जो ओवरऑल द ग्लोब ओवरऑल द वर्ल्ड फॉलो किए जाते हैं, ताकि कन्फ्यूजन ना रह सके सिस्टम ऑफ यूनिट्स में। तो इसके ऑप्शन फर्स्ट है कैलोरी, सेकेंड वन इज जूल, एंड थर्ड वन इज सेल्सियस। तो अगर आपको देखा जाए तो कैलोरी और जूल दोनों ही आपस में एसोसिएटेड है, तो इनमें कन्फ्यूजन हो सकती है कि कोई कैलोरी लगा दे, बट इसका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, जूल इज़ द राइट आंसर। सो कैलोरी क्या होती है कि जब कभी हम कोई चीज़ खाते हैं तो उसकी वजह से हमारी बॉडी में कोई एनर्जी मिलती है, तो मतलब कोई ना कोई हम कैलोरीज इनटेक करते हैं। तो जो वन कैलोरी होती है वो होता है 4184 जूल्स के बराबर। मतलब जब कभी भी एक कैलोरी हम एनर्जी लेते हैं तो उसमें इतना एनर्जी जूल निकलता है, 4184 जूल। अगर हम बात करें सेल्सियस, वैसे सेल्सियस किसी के यूनिट नहीं है, टेम्परेचर के यूनिट क्या होते हैं हमारे, केल्विन होते हैं, जिसका सिंबल क्या होता है, कैपिटल के। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ थर्ड वन इज द वाइब्रेशन इन द स्ट्रिंग्स आर। कि जब कभी स्ट्रिंग वाइब्रेट करती हैं तो उनमें कौन से टाइप की वाइब्रेशंस होती हैं। तो हमें पता है कि हमारी वाइब्रेशन कौन सी होती है, लॉन्गिट्यूडनल होती है, ट्रांसवर्सल होती है, मेनली दो ही तरह की होती है। तो अब जब स्ट्रिंग की वाइब्रेशन होती है तो वहां पर क्या होता है, मूवमेंट होती है अप एंड डाउन। तो इसका मतलब क्या है कि वेव तो हमारी इस डायरेक्शन में जा रही है, बट पार्टिकल कैसे वाइब्रेट कर रही है, ऐसे ऊपर नीचे की तरफ इस तरह से पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे हैं। तो इस तरह के मोशन को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल मोशन बोल देते हैं। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्स वेव होती हैं वो। अब अगला है लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है, जब कभी भी जो वेव की डायरेक्शन है और उसी डायरेक्शन में हमारे पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, जिस डायरेक्शन में हमारी वेव मूव कर रही है वही हमारी पार्टिकल्स की डायरेक्शन है, उसको हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलते हैं। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर मैंने कुछ पार्टिकल्स बहुत क्लोज रखे हैं, कुछ दूर दूर रखे हैं। जहाँ पर ये क्लोज होते हैं इसको बोलते हैं कंप्रेशन, जब वेव्स एक दूसरे के पास पास आ रही हैं, और जब दूर दूर जा रही है इसको बोलते हैं रेयरफैक्शन। तो कंप्रेशन और रेयरफैक्शन से ही हमारी क्या बनती है, साउंड वेव बनती है। तो साउंड वेव क्या है, वेव क्या है, एक तरह की लॉन्गिट्यूडनल वेव है। अब हम बात करते हैं प्रोग्रेसिव वेव की। जो प्रोग्रेसिव वेव्स क्या होती है, सिंपली कि ऐसी वेव
कि जो एक पर्टिकुलर मीडियम में जब मूव कर रही हो तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही मूव करे और उसका एम्पलीट्यूड सेम रहे, वेव का एम्पलीट्यूड। यहाँ मेन टर्म क्या है कि वेव का एम्पलीट्यूड सेम रहना चाहिए, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, प्रोग्रेसिव वेव बोल देते हैं। अब फोर्थ वन स्टेशनरी वेव। अब स्टेशनरी वेव क्या होती है, सपोज करो कि मैंने एक रोप को एक इस तरह झटका मारा, तो उसकी वजह से क्या होगा, एक वेव जनरेट होगी यहाँ पर। अब ये वेव जनरेट होगी, अगर मैंने इसी पर्टिकुलर दूसरी डायरेक्शन से जो रोप का दूसरा पार्ट है वहाँ से भी झटका मारा, तो वहाँ से भी एक वेव जनरेट होगी, तो उसकी वजह से जो वेव बनेगी उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेशनरी वेव बोल देते हैं। और जो स्टेशनरी वेव होती है इनको स्टैंडिंग वेव भी स्टैंडिंग वेव्स भी बोलते हैं। सो होप सो आपको ये सारी टर्म्स क्लियर हो चुकी होंगी। अब मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या बोला हुआ है कि जो हमारा जो डायफ्रैगम होता है, डायफ्रैगम होता है टेलीफोन, वो किससे बना होता है। तो डायफ्रैगम मेनली होता क्या है कि जब कभी हम टेलीफोन में बात करते हैं तो टेलीफोन के अंदर क्या लगी होती है, एक मैग्नेट लगा होता है। मैग्नेट के अंदर एक थिन शीट लगी होती है मेटल की, तो जो मैग्नेट के अंदर थिन शीट होती है मेटल की उसको हम क्या बोलते हैं, डायफ्रैगम बोलते हैं। अब सिंपली होता क्या है, इसके अंदर हमारा माइक्रोफोन लगे होते हैं, जब कभी भी हम टेलीफोन की बात करते हैं उनमें माइक्रोफोन्स लगे होते हैं। तो माइक्रोफोन का सिंपली काम क्या होता है, माइक्रोफोन हमारा क्या करता है, हम जब वो भी कोई बात करते हैं वो साउंड एनर्जी की फॉर्म में होता है, तो साउंड एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी, माइक्रोफोन का काम होता है साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करना। तो उसके बाद इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल जाते हैं और हमें रिसीवर तक पहुंचते हैं और वहां से फिर से वो साउंड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो बट हमारा इसका आंसर क्या था कि डायफ्रैगम किससे बना होता है, एक थिन शीट ऑफ मेटल से मिलकर बना होता है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। अब ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आप काफी पूछे जा रहे हैं एग्जाम्स में, तो क्वेश्चन पढ़िए और इसका आंसर देने की कोशिश करिए। तो देखिए, द टाइप ऑफ रेडिएशंस की जो रेडिएशंस अमिट होती हैं, द टाइप ऑफ रेडिएशंस अमिटेड बाय द रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस, कि वो कौन से टाइप की रेडिएशंस, जो एक रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है वो कौन से टाइप की रेडिएशंस अमिट करता है। तो सबसे पहले तो आपको रेडियोएक्टिव सब्सटेंस के बारे में पता होना चाहिए। तो देखो रेडियोएक्टिव सब्सटेंस क्या होता है कि कोई भी अनस्टेबल न्यूक्लियाई, देखो हर किसी को इस पूरे ग्लोब में या वर्ल्ड में क्या चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, हर कोई स्टेबिलिटी पाना चाहता है। आप भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो सिंपली आपका मोटिव ये है कि एक स्टेबल जॉब हो, स्टेबल लाइफ को आप अचीव कर सको। तो उसी तरह रेडियोएक्टिविटी में होता है कि जो रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, खुद से रेडिएशंस अमिट करते रहते हैं, डिके होते रहते हैं, ताकि वो एक स्टेबल न्यूक्लियस या फिर स्टेबल एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन या एक स्टेबल एटम को अचीव कर सके। तो जब ये इस तरह की प्रोसेस करते हैं तो इनमें से क्या होता है, कुछ रेडिएशंस निकलती हैं। तो वो कौन कौन सी रेडिएशंस होती हैं, वो होती हैं अल्फा, बीटा एंड गामा रेडिएशंस, तीनों तरह की रेज निकलती हैं जब कभी भी कोई रेडियो एक्टिव डिके होता है। अब इनमें से आगे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें से सबसे एनर्जेटिक रे कौन सी होती है। तो इसका जो पैटर्न होता है, अल्फा इज लेस देन बीटा इज लेस देन गामा। इसका मतलब है कि जो अल्फा की जो रेज की एनर्जी होती है वो कम होती है बीटा से, और बीटा की कम होती है गामा से, और जो गामा रेज होती है वो हाईली एनर्जेटिक रेज होती हैं। सो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज, मतलब इसमें सारे क्वेश्चन हमारे जो सारा ऑप्शन है ये ऑप्शन नंबर 4 सही है। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या बोला हुआ है, द इंटरस्टेलर मैटर इज मेनली कंपोज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। अब ये इंटरस्टेलर मैटर होता क्या है, देखो जब कभी भी जो हमारी स्पेस होती है बिटवीन द स्टार्स एंड द जो गैलेक्सीज के बीच में, जो सिस्टम ऑफ गैलेक्सीज और स्टार के बीच में जो स्पेस स्पेस होती है, उसके अंदर हमारे पास कोई मैटर होता है जहाँ से वो इंटरस्टेलर चीज़ बनती है। तो मतलब इंटरस्टेलर आपको समझ आ गया कि जो स्पेस बिटवीन द स्टार्स एंड द सिस्टम ऑफ गैलेक्सीज, तो वो बना किससे होता है, तो वो मेनली हमारा बनता है हाइड्रोजन से। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर 4, हाइड्रोजन, कि जो इंटरस्टेलर मैटर बना होता है वो किससे मिलकर बना होता है, हमारे हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। अब क्वेश्चन नंबर 7, अब आपको यहां से लगेगा पता कि हमारे रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन आपने बहुत सारे क्वेश्चन देखे होंगे कि जहां पे इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो जो जो टॉपिक हम डिस्कस करते जा रहे हैं, आपको ये ऐसे करना है कि उसको एक बार थोरली रीड कर लेना है, क्योंकि आगे भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो क्या लिखा हुआ है, द ऑयल और सोप फिल्म
वर सीन इन डे लाइट अपेयर्स कलर्ड बिकॉज ऑफ, कि जो हमें देखा होगा आपने कभी भी, वो जो झाग सी बनती है, एक बबल बनता है, वो हमें बहुत ज़्यादा कलर दिखता है, तो उसके जो कलर का रीज़न होता है वो क्या होता है, मेनली इंटरफेरेंस होता है। तो मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ, जैसे इस तरह का आपने कलर देखा होगा कि इस तरह का कलर आपको दिखता है। तो ये एक दिखता क्यों है कि जब दो वेव्स इंटरफेयर करती हैं, मेनली देखो होता क्या है कि अगर यहाँ पे एक वेव है, ये एक वेव मूव कर रही है और एक दूसरी वेव मूव कर रही है, जब ये आपस में कंबाइन करेंगी, मतलब जब ये कंबाइन करेंगी तो एक बड़े साइज की हमारे पास वेव बन जाएगी इंटरफेयर करने के बाद, तो एक इस तरह की वेव बन जाएगी। तो इसकी वजह से जो हमारा पैटर्न जनरेट होता है उसको हम बोलते हैं इंटरफेरेंस। तो हमारा उसका आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन का, द ऑप्शन नंबर डी, दैट इंटरफेरेंस इज द राइट आंसर। अब आगे बाकी टर्म्स भी दी हुई है मैं, रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन सिंपली क्या होता है कि द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम, जब वो किसी हाईली पॉलिश सरफेस से स्ट्राइक करती है। तो होता क्या है इसमें कि हमारे पास कोई हाईली पॉलिश सरफेस है, जैसे ये मिरर हो गया, यहाँ से लाइट स्ट्राइक करेगी और उसी मीडियम में वापस लौट जाएगी, ठीक है। और जहाँ पे ये एंगल बनेगा इसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जो इसको बोलेंगे इंसिडेंट रे, इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे, और यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो बनेगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर हम बात करें रिफ्रैक्शन की, तो रिफ्रैक्शन में क्या होता है कि जब मूवमेंट होती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में रेज की, सपोज करो कि रेज आ रही है, जैसे अगर मैंने एक ये मीडियम ले लिया, यहाँ पर नीचे क्या है वाटर है, और ऊपर हमारी क्या है एयर है, ये एयर है नीचे वाटर है, तो जब कभी भी रे यहाँ से इस मीडियम में आएगी तो उसकी वजह से थोड़ी बेंडिंग होगी लाइट की। तो जो बेंडिंग होती है लाइट की, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट एंटर करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोल देते हैं। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अब जो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला हुआ है कि फॉर सेफ ड्राइविंग ड्यूरिंग द रेन एंड फॉग, तो ड्राइवर शुड यूज एडिशनल, तो ड्राइवर एक एडिशनल कुछ हमारा लाइट का यूज करते हैं, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। सो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर, दैट इज येलो लाइट। देखो येलो लाइट का यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि येलो लाइट की वेवलेंथ काफ़ी हाई होती है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा विबग्योर, VIBGYOR। तो हम येलो लाइट का यूज़ करते हैं क्योंकि येलो लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। रेड इसलिए यूज़ नहीं करते क्योंकि रेड तो हम पहले ही भी हमारे जो टेल लाइट्स हैं उनमें यूज़ करते हैं, और ऑरेंज और रेड, जो ऑरेंज और रेड होता है वो नियरली सेम ही दिखते हैं, तो इसलिए हम येलो लाइट का यूज़ कर लेते हैं, और इसकी जो वेवलेंथ होती है वो काफ़ी हाई होती है। और एक और बात ध्यान में रखें कि जब कभी भी हम फोग वगैरह, जब कभी भी इस तरह का सिनेरियो होता है, तो हम कभी भी हाई जो हाई लाइट मतलब हाई बीम का यूज़ नहीं करते, हमेशा लो बीम का यूज़ करते हैं, क्योंकि हाई बीम में क्या होते हैं, हाई एनर्जेटिक रेज होती हैं, तो यहाँ जो पार्टिकल्स होंगे फोग के पार्टिकल्स या कोई भी वाटर पार्टिकल्स होंगे, यहाँ से टकरा के लाइट कर जाएगी, रिफ्लेक्ट कर जाएगी, इसलिए फिर हमें आगे कुछ दिखेगा नहीं, या फिर हमारे जो हमारी लाइट होगी वो आगे दिखाई नहीं देगी जो सामने से बंदा आ रहा होगा या सामने से कोई भी गाड़ी आ रही होगी। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, लो बीम का यूज़ करते हैं और येलो कलर का यूज़ करते हैं, क्योंकि इसकी जो वेवलेंथ होती है वो काफ़ी हाई होती है, तो इसकी वजह से जो इसकी स्कैटरिंग होती है बहुत कम हो जाती है, तो इसके लिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, येलो लाइट। होप सो आपको ये समझ आ रहा होगा। सो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं। अब क्वेश्चन में बोला हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्साइड ओर, कि इनमें से कौन सा ऑक्साइड ओर है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कि जो बॉक्साइड होता है वो हमारा क्या होता है, एक ऑक्साइड ओर होता है, मतलब वो ऑक्सीजन के से मिलके बनता है। अब यहाँ पर हमें बाकी भी दिए हुए हैं, एक मेलासाइट दिया हुआ है, जिंक ब्लेंड दिया हुआ है और जिप्सम दिया हुआ है। तो अब बॉक्साइड किससे बनता है, जो ओर होता है बिल्कुल हमारी क्या होती है, रॉ फॉर्म होती है, उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ होती हैं। तो जो बॉक्साइड मिलके बनता है, बॉक्साइड किसका ओर होता है, ये होता है एल्यूमिनियम का ओर। अगर हम मेलासाइट की बात करें तो ये होता है कॉपर कार्बोनेट हाइड्रोक्साइड का ओर होता है। अगर जिंक ब्लेंड बात करते हैं तो जिंक ब्लेंड नाम से क्लियर हो रहा है, ये जिंक का ओर होता है। और जिप्सम, जिप्सम की बात करते हैं तो ये कैल्शियम का ओर होता है। तो आपको इस तरह से मतलब बाकी चीज़ों के भी ओर पता होने चाहिए, जो बाकी ओर टर्म्स होते हैं। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। बोलते हैं कि हाइड्रोजन बर्न्स विद, कि जब कभी भी हम हाइड्रोजन को जलाते हैं तो उसमें कौन से टाइप की फ्लेम निकलती है। तो लिखा है स्मोकी फ्लेम, येलो फ्लेम, ब्लू फ्लेम और पेल येलो फ्लेम। सो
वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा बताने की कोशिश करिए कि यहाँ पर आंसर क्या होगा। सो जो इसका आंसर होगा वो होगा येलो फ्लेम, कि जब कभी भी जो ब्लू फ्लेम सो हाइड्रोजन हमेशा बर्न किसे करता है, ब्लू फ्लेम से करता है। तो जब कभी भी किसी चीज़ की जब कम्प्लीटली जल जाता है कोई भी चीज़, तो उसमें जो रेडिएशन निकलती है या फिर जो फ्लेम निकलती है वो ब्लू फ्लेम निकलती है। अपने घरों में देखा होगा जब हमारी एलपीजी जलाते हैं तो उनमें भी जब कम्प्लीट कम्बशन होता है तो उसमें जो हमारे पास फ्लेम्स निकलती हैं वो भी ब्लू कलर की होती हैं। और जब कभी इनकम्प्लीट कम्बशन होता है, जैसे हम कभी किसी लकड़ी को जलाते हैं तो उसमें येलोइश फ्लेम निकलती है, तो उसमें येलोइश फ्लेम का मतलब क्या होता है कि जो हमारा कार्बन है वो कम्प्लीटली बर्न नहीं हुआ है। और ब्लू फ्लेम का मतलब क्या होता है कि जो हमारा जो कार्बन है वो कम्प्लीटली बर्न हो चुका होता है। उसी तरह हाइड्रोजन भी कैसे बर्न करता है, ब्लू फ्लेम के साथ। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 11 तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो क्या बोला हुआ है, द ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स, कि जो कभी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, अब ऑर्गेनिक से आप क्या समझते हो, ऑर्गेनिक का मतलब होता है जैसे कि जो भी लिविंग है, चाहे हो गया प्लांट हो गया, चाहे एनिमल हो गया, ठीक है, या उनके कोई भी फॉसिल्स हो गए, तो उन सभी में एक चीज़ जो हमेशा प्रेजेंट होती है उसका नाम क्या होता है, कार्बन। तो कार्बन हमेशा ही प्रेजेंट रहता है, सो कार्बन विल बी द राइट आंसर। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमेशा क्या होता है, कार्बन हमेशा प्रेजेंट रहता है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। अब आगे क्वेश्चन बोला हुआ है कि विच ग्लास इज यूज टू मेकिंग लेंसेज एंड प्रिज्म फॉर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, कि जो हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स मतलब जो हमारे लेंसेज बनाते हैं, हम प्रिज्म बनाते हैं, हम टेलीस्कोप बनाते हैं, तो हमें कौन से टाइप्स के हम ग्लासेस का यूज़ करते हैं, तो जो इसका ऑप्शन हो जाएगा वो होता है फ्लिंट ग्लास, मतलब एक ग्लास की टाइप होती है एक, तो फ्लिंट ग्लास हम यूज़ करते हैं जो भी हमारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है उनको बनाने के लिए। अब इसका रीज़न क्या है, क्योंकि जो फ्लिंट ग्लास होते हैं ना उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज़्यादा हाई होता है। अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल होता है स्मॉल एन, ये होता है रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन पर्टिकुलर मीडियम। तो देखो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, बहुत कम हो जाएगी। तो उसकी वजह से ही क्या करते हैं कि हमें पैटर्न कोई भी हमें ऑप्टेन करना है तो उसको ऑप्टेन करना बड़ा ईजी हो जाएगा। तो फ्लिंट ग्लास का यूज़ करने का रीज़न क्या है, क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज़्यादा हाई होता है। एक होता है क्राउन ग्लास भी होता है, उसको यूज़ नहीं करते क्योंकि उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो एज कम्पेयर टू फ्लिंट ग्लास कम होता है। सो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, लाइक करके आप अपना सपोर्ट दिखा सकते हैं। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। अब 13 क्वेश्चन बायो से रिलेटेड है। द डबल मोड ऑफ रेस्पिरेशन इज फाउंड इन, कि जो डबल मोड ऑफ रेस्पिरेशन होता है वो किस में होता है। अब डबल मोड ऑफ रेस्पिरेशन का मतलब क्या है, कि हम जो ब्रीद इन करते हैं तो दो बार हमारे पास एयर आ रही है, इसका मतलब हमारे लंग्स डबल टाइम्स ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि दो बार हमारे ऑक्सीजन बाहर आ रही, अंदर आ रही है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रही है, जो भी मतलब हो रहा है जो सांस लेने की प्रक्रिया होती है। तो इसमें जो डबल रेस्पिरेशन का मोड होता है वो किस में होता है, हमारे स्कॉर्पियो मतलब बिच्छू में, ये शो करते हैं डबल मोड ऑफ रेस्पिरेशन, मतलब दो बार ये ऑक्सीजन को टेक करते हैं। और बाकी जो है हमारे अर्थवर्म हो गया, लीच हो गया, स्नेल हो गया, इन सभी में क्या होता है, हमारा सिंगल मोड ऑफ रेस्पिरेशन होता है। हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। इनसे विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चन तो हमेशा मतलब 90% की श्योरिटी होती है कि पेपर में आएगा ही आएगा। तो क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, द फैट सोल्युबल विटामिन इज, तो फैट सोल्युबल विटामिन क्या होता है। अब देखो विटामिन भी दो तरह के होते हैं, जो विटामिन होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं हमारे वाटर सोल्युबल और दूसरे हमारे कौन से होते हैं, फैट सोल्युबल। अब वाटर सोल्युबल विटामिन दो ही होते हैं, एक होता है विटामिन बी एंड विटामिन सी, दोनों हमारे क्या होते हैं, वाटर सोल्युबल विटामिन होते हैं। जबकि हमारे जो विटामिन हो गया ए डी ई एंड के, ये हमारे क्या होते हैं, फैट सोल्युबल विटामिन होते हैं। तो इनमें से अब जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है उन्होंने ऑप्शन दिया विटामिन सी बी एंड डी, सो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, द फैट सोल्युबल विटामिन विल बी विटामिन डी, क्योंकि विटामिन बी और सी हमारे क्या होते हैं, वाटर सोल्युबल विटामिन होते हैं। अब आगे मूव करते हैं द रिजर्वोयर ऑफ आरबीसी, आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल,
कि जो रेड ब्लड सेल होता है उसका रिजर्वोयर कहाँ पे होता है, मतलब वो कहाँ पे इकट्ठा किया जाता है। तो ये जो इकट्ठा किया जाता है इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, स्प्लीन। तो ये स्प्लीन होता क्या है आपको मैं डायग्राम्स की हेल्प से दिखाता हूँ। जैसे आपको ये डायग्राम दिख रही होगी, स्प्लीन क्या होता है, फिस्ट के साइज़ का मतलब मुट्ठी के साइज़ का एक छोटा सा ऑर्गन होता है जो हमारे लेफ्ट साइड में डायफ्रैगम के ऊपर होता है। नीचे डायफ्रैगम है और ये लेफ्ट साइड में मतलब यहाँ पर कुछ इस साइड पे पाया जाता है स्प्लीन। तो स्प्लीन में क्या होता है, जो हमारे आरबीसीज होते हैं वो सारे यहाँ पर क्या होते हैं, स्टोर होते हैं। तो ये माना जाता है रिजर्वोयर ऑफ आरबीसी। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब आगे बोला है पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड एट द बेस ऑफ, कि पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पे लोकेट होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा द ऑप्शन नंबर सी। पिट्यूटरी ग्लैंड हमारा कहाँ प्रेजेंट होता है, ब्रेन के बेस के ऊपर प्रेजेंट होता है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। और इसको हमारे क्या बोला जाता है, मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड इज ऑल्सो नोन एज मास्टर ग्लैंड। उसी तरह से अलग अलग लीवर, किडनी, पैंक्रियाज, पैंक्रियाज तो हमारा लीवर में ही पाया जाता है। तो ये थोड़ी थोड़ी इससे रिलेटेड मतलब वो ग्लैंड्स को भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है क्योंकि इनमें इनसे भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो द राइट आंसर विल बी, जो पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पे लोकेट होता है, बेस ऑफ द ब्रेन में। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर। अब बोला हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज ए वायरल डिसीज, तो इसमें कौन सी एक वायरल डिसीज है। बोला है ट्यूबरक्लोसिस, एलिफेंटेसाइसिस, और दूसरा बोला है जैपनीज इंसेफ्लाइटिस, तो और नन ऑफ दीज। तो इनमें से जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा जैपनीज इंसेफ्लाइटिस। ये जैपनीज इंसेफ्लाइटिस होता क्या है, वैसे ये मेनली हमारा एशिया और जो हमारा वेस्ट पैसिफिक हो गया, इन रीजन्स में ये ज़्यादा देखा गया है जैपनीज इंसेफ्लाइटिस को। तो इसमें होता क्या है कि जो हमारा ब्रेन का पोर्शन है उसमें स्वेलिंग आ जाती है। अब इसका रीज़न क्या होता है कि ये एक इन्फेक्टेड मॉस्किटो होता है, उसको कट करने से अगर वो हमें आके कट कर ले तो उसकी वजह से जो ब्रेन के कोई पर्टिकुलर पार्ट में स्वेलिंग आ जाती है, तो वो किसकी वजह से होता है, हमारा जैपनीज इंसेफ्लाइटिस की वजह से होता है। तो होप सो आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा। और वो एलिफेंटाइसिस क्या है, एलिफेंटाइसिस में आपको देखा होगा कि कई बार पिक्चर्स में कि कईयों के हाथ बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हो जाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ जाती है हाथों में पैरों में, तो उसको बोलते हैं हम एलिफेंटाइसिस बोलते हैं। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, मतलब जो हमारा वायरल डिसीज है वो कौन सा होता है, जैपनीज एंसेफ्लाइटिस। अब करते हैं मूव क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। अब बोला है द सेक्स क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन मेल इज रिप्रेजेंटेड बाय, कि जो मेल्स में क्रोमोसोम्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट करने का सिंबल क्या होता है। तो ये तो काफ़ी सिंपलेस्ट क्वेश्चन है। तो जो मेल में हॉर्मोन्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट करने का सिंबल क्या होता है, एक्स वाई। तो होता है क्या कि जो फीमेल में क्या होते हैं, एक्स एक्स होते हैं, और मेल में क्या होता है, एक्स वाई क्रोमोसोम्स का पेयर होता है। हमें पता है कि हमारे बॉडी में कितने होते हैं, 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम्स के, इसका मतलब टोटल में कितने होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। और अगर पेयर्स में बात करें तो वो 23 में होते हैं। तो अब इससे सेक्स डिटरमिनेशन में भी पता लग सकता है कि मेल होगा फीमेल होगा। जब कभी भी अगर फीमेल का एक्स और अगर मेल का एक्स मिलते हैं तो यहाँ से क्या बनता है, एक्स एक्स क्रोमोसोम बनेगा। तो इसके इससे हमें पता चलेगा कि कोई ना कोई फीमेल पैदा होगी। और दूसरा अगर एक एक्स और दूसरा अगर वाई मिल रहे हैं तो बनेगा एक्स वाई। तो यहाँ से लगता है पता कि कोई मेल चाइल्ड का बर्थ होगा। तो जो एक्स एक्स और एक्स वाई हैं हमारे सेक्स को क्रोमोसोम्स होते हैं और ये रिप्रेजेंट करते हैं कि वो कोई मेल होगा या फीमेल होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला हुआ है इन द इलेक्ट्रिकल सप्लाई लाइंस इन इंडिया विच पैरामीटर केप्ट कॉन्स्टेंट, कि जो हमारी सप्लाई लाइंस होती हैं उनमें से ऐसा कौन सा पैरामीटर इन तीनों में, इन चारों में से, करंट, वोल्टेज, पावर एंड फ्रिक्वेंसी, कि जो कॉन्स्टेंट रहता है वो कभी चेंज नहीं होता। तो आपको एक चीज़ का पता होगा कि जो फ्रिक्वेंसी होती है हमारे इंडिया में वो उसकी वैल्यू कितनी है, 50 हर्ट्ज, इतनी फ्रिक्वेंसी रहती है इंडिया के लिए। और इसको ये किसके इक्वल होती है, 220 वोल्ट के इक्वल, 50 हर्ट्ज 220 वोल्ट। तो इसमें से कौन सा जो ऑप्शन सही हो जाएगा, इस ऑप्शन नंबर डी, कि जो फ्रिक्वेंसी रहती है वो एक ऐसा पैरामीटर जो कभी चेंज नहीं हो सकता। जो भी हमारे यहाँ पर ऑपरेटर्स होते हैं वो हमेशा
50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं और इसी फ्रीक्वेंसी के ऊपर काम करते हैं। अगर हम किसी और कंट्री में जाते हैं, सपोज कर अगर यूएसए में जाते हैं, तो वहाँ पर अराउंड 30 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को यूज़ किया जाता है। मतलब जो हमारे यहाँ के ऑपरेटर्स हैं वो वहाँ पर जाके अच्छे से काम मतलब काम ही नहीं कर पाएंगे, वहाँ पर वर्क नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इस ऑप्शन नंबर डी फ्रीक्वेंसी की, यही अकेला एक पैरामीटर है जो क्या होता है, चेंज नहीं होता, कॉन्स्टेंट रहता है हमेशा। अब मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, विच वेव्स आर यूज इन द सोनोग्राफी। तो सोनोग्राफी आपने सुना होगा कि जब कभी भी हम अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाते हैं, ठीक है, जैसे अगर किसी के पेट में अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है, तो उसके लिए पथरी वगैरह हो जाती है, स्टोन्स वगैरह, तो उसके लिए क्या हम कराते हैं, हम सोनोग्राफी करवाते हैं। तो इनमें से कौन सी वेव्स का यूज़ किया जाता है, माइक्रोवेव्स, साउंड वेव्स, इंफ्रारेड वेव्स और अल्ट्रासोनिक वेव्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हम किसका यूज़ करते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज़ किया जाता है सोनोग्राफी में। अब बाकी भी दिए हुए हैं, जैसे इंफ्रारेड वेव्स है, तो इंफ्रारेड वेव्स आपने देखा होगा जो हीटिंग डिवाइसेस होती हैं उनमें काफ़ी यूज़ किया जाता है इंफ्रारेड वेव्स को, कि जैसे कि हमारे रिमोट कंट्रोल हो गया, तो जो रिमोट कंट्रोल में जो वेव्स यूज़ की जाती हैं वो होती हैं इंफ्रारेड वेव्स। उसके बाद है साउंड वेव्स, तो साउंड वेव्स जो हम बोल रहे हैं, ठीक है, जो उसको हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी बोलते हैं इनको, तो ये हमारी साउंड वेव्स होती हैं। आगे है माइक्रोवेव्स, जो माइक्रोवेव ओवन में हम वेव्स का यूज़ करते हैं, या फिर सैटेलाइट ट्रांसमिशन कम्युनिकेशन में भी इनका थोड़ा बहुत यूज़ किया जाता है, तो ये हमारी क्या होती है, माइक्रोवेव्स होती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन का, अल्ट्रासोनिक वेव्स। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के ऊपर। तो 21 नंबर क्वेश्चन बोल क्या रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फॉर्म ऑफ स्टोर्ड एनर्जी, कि इसमें ऐसी कौन सी जो स्टोर एनर्जी की फॉर्म नहीं है, कि मतलब उसको हम स्टोर नहीं कर सकते, किसी जगह पे इकट्ठा नहीं कर सकते, ठीक है, मतलब उसको इकट्ठा करके रखा नहीं जा सकता। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा राइट ऑप्शन वो होगा हमारा न्यूक्लियर एनर्जी। तो इसलिए आपने देखा होगा कि जब कभी भी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं कुछ भी, तो उनमें हम एनर्जी को स्टोर नहीं कर सकते, वो हमेशा हमें ट्रांसमिट करते रहना होती है और लगातार उनको बनाना पड़ता है। आगे तो पोटेंशियल एनर्जी, जब कभी भी किसी जो कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है, तो जो रेस्ट की पोजीशन में जो ऑब्जेक्ट में एनर्जी होती है, तो वो क्या हमारी होती है, पोटेंशियल एनर्जी। आगे हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी से हमें एनर्जी मिलती है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोल देते हैं, तो इसको तो हम स्टोर कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, जैसे जो हमारी बैटरीज वगैरह होती हैं उनमें जो एनर्जी स्टोर होती है, जैसे सोलर पावर प्लांट हो गए उनमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। आगे हो गया केमिकल एनर्जी, तो केमिकल एनर्जी हमारे सेल्स होते हैं, तो सेल्स में कौन सी एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी होती है। बट ये तीनों ही हमारी क्या है, स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है, हम न्यूक्लियर एनर्जी को स्टोर नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए न्यूक्लियर एनर्जी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के ऊपर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरल पॉलीमर। अब पॉलीमर्स होते हैं क्या है, कि मतलब जो एक पर्टिकुलर मोनोमर होता है, सपोज करो जैसे अमोनिया हो गया या फिर हमारा ग्लूकोज हो गया, कि बहुत सारी उनकी चेन बनती जा रही हैं, दो जुड़ गए, तो उनको बोलते हैं हम, एक होता है पॉलीमर, एक होता है मोनोमर। तो यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेचुरल पॉलीमर, क्यों, जो नेचुरली मिलता है। तो इसमें से जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सेल्यूलोज। तो जो सेल्यूलोज होता है वो हमें प्लांट्स में मिलता है, तो एक सेल्यूलोज क्या है, एक नेचुरल पॉलीमर है, इसको हम बना नहीं सकते। अगला है पॉलीविनाइल पीवीसी, तो आपने देखा होगा पीवीसी लगाई जाती है वायर वगैरह में, तो वहाँ पर पीवीसी का यूज़ किया जाता है। नायलॉन के बैग्स देखे होंगे, तो ये सारे हमारे क्या होते हैं, सिंथेटिक पॉलीमर होते हैं। या टेफलॉन हो गया, इनसे टिफिन वगैरह बनाने में यूज़ किया जाता है। तो ये सारे तीनों ही हमारे, टेफलॉन हो गया, नायलॉन और पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये तीनों हमारे क्या होते हैं, सिंथेटिक पॉलीमर्स होते हैं। जबकि हमारा एक नेचुरल पॉलीमर होता है, वो उसका नाम क्या है, सेल्यूलोज। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के ऊपर। अब बोलते हैं पेंसिलिन इज आइसोलेटेड फॉर्म। अब पेंसिलिन को किससे बनाया जाता है, तो हमें पता है कि पेंसिलिन किससे बनती है, एक फंगस से बनती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, वायरस नहीं आएगा इसका, बैक्टीरिया नहीं आएगा, एल्गी नहीं आएगा। तो इसका राइट आंसर विल बी फंगस, मतलब फंजाई से बनती है। तो जो पेंसिलिन था उसको बनाया किसने था, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इन्होंने पेंसिलिन को 1928 में बनाया था। तो बनती किससे, हमारी फंगस से बनती है।
अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के ऊपर। क्या बोला हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेट्रोलियम रिफाइनरी प्रोडक्ट्स हैज द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, मतलब जिनको जलाने के लिए अगर हम थोड़ा सा भी हीट सप्लाई देंगे तो वो उनमें एकदम से क्या होगा, हीट प्रोड्यूस हो जाएगी। तो ऑप्शन में है हमारे पास लुब्रिकेटिंग ऑयल, डीजल, गैसोलीन या केरोसिन। तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, गैसोलीन। गैसोलीन को क्या बोलते हैं, पेट्रोल भी बोलते हैं। तो आपने देखा होगा पेट्रोल, जब कभी भी पेट्रोल के आसपास तो कोई भी ऐसी इन्फ्लेमेबल चीज़ रखी नहीं जाती कि जिसके थ्रू इनके इनको कोई भी खतरा हो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को। तो जो सबसे लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होता है वो किसका होता है, पेट्रोल का ही होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, गैसोलीन भी बोलते हैं। अब मूव करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन क्या है, विच ग्लैंड इज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ लिम्फोसाइट्स एंड एंटीबॉडीज, कि जो हमारी बॉडी में लिम्फोसाइट्स और एंटीबॉडीज बनाने के लिए कौन सा ऐसा ग्लैंड है जो हेल्प करता है। तो इनमें ऑप्शन वन है हाइपोथैलेमस है, एड्रिनल है, थाइमस है और थायरॉइड ग्लैंड है। तो इनमें जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा थाइमस ग्लैंड। जो थाइमस ग्लैंड है वो हेल्प करता है हमारा लिम्फोसाइट बनाने में। तो ये थाइमस है वो कौन से बनाता है, वो बनाता है टी लिम्फोसाइट्स। ये जो टी लिम्फोसाइट बनाता है इसकी वजह से क्या होती है, ये हमारी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। तो पूछा जा सकता है कि थाइमस है वो कौन से लिम्फोसाइट बनाता है, तो वो बनाता है टी लिम्फोसाइट्स। उसकी वजह से क्या होता है, हमारी इम्यूनिटी काफ़ी अच्छी हो जाती है। और ये प्रेजेंट कहाँ पर होता है, ये हमारे बस एक नेक के रीजन के अराउंड प्रेजेंट होता है, गले में प्रेजेंट होता है। और ये टाइम के साथ जैसे हम पुबर्टी को रीच करते हैं तो ये उसके बाद इसका जो साइज होता है वो बहुत कम हो जाता है। तो द ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, दैट इज थाइमस ग्लैंड, जो हेल्प करता है हमारा एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करने में और लिम्फोसाइट्स को प्रोड्यूस करने में। अब एक हाइपोथैलेमस दिया हुआ है, हाइपोथैलेमस आपको पता है कि जो ब्रेन में प्रेजेंट होता है जो, और दूसरा एड्रिनल है, तो एक थायरॉयड है, थायरॉयड भी कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारे गले में प्रेजेंट होता है, नेक के रीजन में प्रेजेंट होता है। सो द ऑप्शन सी विल बी थाइमस विल बी द राइट आंसर। सो ये थे आज के 25 क्वेश्चंस। सो होप करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। सो इसके बाद हम फिर से डिस्कस करेंगे नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस। टिल देन थैंक यू।